मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको बहुत मन था देखने का, और अभी हम लोग उसी के घर के नीचे जा रहे हैं जिससे कि वो भी मिल पाए मफिन से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि कल हम लोग निकले थे मॉल की तरफ, बट मॉल तो सारे बंद थे, तो आज फिर से ट्राई मार रहे हैं क्योंकि मेरे पास कपड़े बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। और हम एक और इम्पॉर्टेंट काम करने जाने वाले हैं, और उसका मेन किरदार है ये जो सो रहा है ना छोटू सा, ये देखिए जग गया मफिन। पता है गाइस, आज इसको बहुत दर्द होगा क्योंकि आज इसे वैक्सीनेशन होने वाला है पहला। तुमने इसे बता दिया है मैंने निर्माण जिसके बारे में ना गए। हाँ, हमने बता तो इसे दिया है लेकिन हमें नहीं मालूम कितना इसे समझ में आया है। ऑब्वियसली कुछ नहीं समझ आया होगा। अब वो तो जब लगेगा तब इसे मालूम पड़ेगा कितना मासूम सा पड़ा है। मेरे तो मन नहीं कर रहा है इसको वैक्सीन करवाने का क्योंकि पू पू करेगा ये, लेकिन कराना पड़ेगा। गाइस, लगता है इसे मालूम पड़ गया इसके आज सुई लगने वाली है, तो ये उठने के बिल्कुल मूड में नहीं है, नाटक पूरे कर रहा है। और ये हमारी हीरोइन तैयार हो गई है। आज कहाँ जा रही हो? थोड़े बहुत काम है जो मुझे खत्म करने हैं, इसलिए जा रही हूँ। तब तक आप लोग वैक्सीनेशन लगा करो। हाँ, तब तक मैं अपने काम खत्म करती हूँ। ओके, तो गाइज मैं और कशिश जा रहे हैं इसको वैक्सीन लगवाने, और रीमा जा रही है अपने काम से। देखते हैं वहाँ से ना, इसकी एक्चुअली में एक लीश और एक कॉलर भी चाहिए, थोड़ा सा इसको आदत होनी चाहिए ना। उसके पास नहीं जा रहे जिससे लिया था, दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मतलब एक ओपिनियन भी हो जाएगी कैसा है, हेल्दी है कि नहीं है। नोएडा में सेक्टर 71 है कोई। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं वेट के पास, और यहाँ पे हमने एक चादर बिछा दी थी जिससे कि आराम से लेट पाए, और ये सो गया या थोड़ा सा नर्वस है, लेकिन पहली बार इसका, तो अभी वो ठीक हो जाएगा, उसकी आदत पड़ जाएगी। हाँ। तो मैं इसके साथ पीछे बैठी हुई हूँ, और चलो अब लेके चलते हैं इसे। हाँ। निन्नी आई है। चलो चलो चलो, निन्नी आई है। सुई लगाएंगे चलो। ये डरा हुआ है, ये बेचारा डर रहा है। कितना प्यारा बोल रहे हैं, बहुत ब्रेव है। मफिन की यहाँ पे नेल कटिंग हो रही है। आहा, ग्रूमिंग हो रही है, ग्रूमिंग। नो। एक्सपेक्टेड था कि ये बिल्कुल कुछ नहीं किया, इतने प्यार से इसने करवा ली अपनी वैक्सीनेशन। वो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है उसको बहुत मन था देखने का, और अभी हम लोग उसी के घर के नीचे जा रहे हैं जिससे कि वो भी मिल पाए मफिन से, और उसको बहुत मन था, तो आई एम प्रीटी श्योर वो बहुत एक्साइटेड है मिलने के लिए। तो अभी हम लोग, मैं और मफिन मिलने जा रहे हैं। गाड़ी डैडी चला रहे हैं। हमने अब गैस चले गया ना, है ना। तुम्हें कितनी सारी ट्रीट्स मिली आज? तो हमने आज बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जो हमें डाउट्स थे, और काफ़ी अच्छे बैठ थे, तो उन्होंने हमें सब कुछ अच्छे से बता दिया। और हमने इसका पूरा बैग भर के ट्रीट्स भी लिया है, जो जब वो अच्छा काम करेगा तभी देंगे। खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे यस ही लाइक बेली रब्स, बट लाइक वो ग्राउंड पे करते हैं हम लोग। बाइटिंग शुरू हो गई इसकी, ये ले, खा, डोंट बाइट माय फ्रेंड्स।
वैक्सीनेशन हो गया और दीदी लेकर उसे घर चली गई उसकी, और मैं बैठ गई हूँ गाड़ी में, मेरा काम भी ख़त्म हो गया था इस बीच में। और अभी हम लोग आए हैं मॉल, मॉल में थोड़ा बहुत शॉपिंग करेंगे। आज बहुत दिन बाद मॉल आए, ऐसा लग रहा है जैसे एक ज़माना बीत गया हो। ज़माना बीत गया है, ज़माने भर का गम काफ़ी है। बाद हम लोग मॉल आए हैं, और मॉल आए और हम होम सेंटर का टूर ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। होम सेंटर हमारा फेवरेट स्टोर है, जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं रैंडमली कभी भी, क्योंकि बहुत ही यूनिक सी चीज़ें भी कभी कभी दिख जाती हैं यहाँ पर। आपको भी पसंद आता होगा होम सेंटर, अगर पसंद आते तो बताना मेरे को, क्योंकि मुझे ना यहाँ पर जो होम डेकोरेशन के सामान है वो बहुत अच्छे लगते हैं। इतना सारा सोने के आइटम ये देखो, और ये मुझे बड़ा प्यारा लगा। जब आप मंदिर में पूजा करने जाते हो ना, छोटी सी बास्केट चाहिए है ना। अच्छा है, रिस्क उठाकर मैंने यह ढूंढा। इसमें मफिन को ले जा सकते हैं, मफिन के लिए उसके लिए केक चली जाएगी छोटी छोटी छोटी। ईशा मुझे खाना ज़रा खोल के खुलेगा नहीं। तो गाइस हम लोग कॉफ़ी हाउस में आ गए हैं, और हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया बताओ। कुछ हम लोगों ने प्लेटर ऑर्डर किया है, और क्या प्लेटर का क्या नाम था, चिंगेजी चिन चिन कांजी आंजी का चिनाजी चिनाजी या चिन हाँ।
समथिंग क्रेजी कुछ ऐसा ही था और दो पीच आइस पी पीच आइस पी। गर्मी में ना मन नहीं कर रहा कुछ भी कॉफ़ी वॉफ़ी पीने का, मन कर रहा है कुछ ठंडा ठंडा सा मिल जाए। और क्या बताऊँ, पता है आज हम लोग आए तो थे पूरे मूड से शॉपिंग करने के, लेकिन कुछ भी ऐसा समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है शायद हम थोड़े थके हुए से हैं। थक गए हैं आज? हाँ, आज ना मॉल घूमने में ही थक गए क्योंकि काफ़ी दिन बाद निकले हैं ना। फिर भी मैं जाते जाते ना मैंने प्रशांत से प्रॉमिस लिया है कि वो मुझे स्लीपर्स दिलाएंगे क्योंकि वो ऑनलाइन कभी अच्छी नहीं आ पाते। आज मैं स्लीपर्स देखने के लिए आई हूँ पर्टिकुलर। और पता है मैंने कितनी सारी शॉप्स चेकआउट कर ली, मैं ऑनलाइन भी मंगा कर देखी हुई थी लेकिन बार बार साइज़ गड़बड़ आ रहा था। तो आज मैंने सोचा कि मॉल जाती ही चेक करती हूँ। ठीक, कैसी लग रही है वैसे बाय द वे? और देखिए ये वाला, तो अगर इसमें से 38 लूंगी तो थोड़ा बड़ा होगा। वैसे 37 आ पहले। हां तो नहीं, नंबर आप मुझे देख लीजिए, फिटिंग देखो। हां जी, ये सूट भी चल जाएगी बड़ा है। बड़ा है, साइज बड़ा है। साइज बड़ा है भाई। घर पर आने के बाद सबसे पहले फेस वॉश वगैरह करने के बाद, कपड़े चेंज करने के बाद, बस अभी थोड़ा सा जो मेकअप था वो रिमूव किया, काजल वगैरह लगा रखा था ना, लिपस्टिक लगा रखी थी, प्राइमर लगा रखा था, मेरा फेवरेट प्राइमर। जब भी मुझे थोड़ा सा तैयार होना होता है, रेडी होना होता है, तो मैं वो लैक्मे वाला प्राइमर लगाती हूँ। मेरा बहुत ही पसंदीदा प्राइमर है वो, मुझे बहुत पसंद है। मैंने आप लोगों को भी सजेस्ट किया हुआ है कई बार और आप लोगों को भी पसंद आया है परचेज़ करने के बाद। उसके बाद कुछ भी मेकअप करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस उसके बाद थोड़ा मन उदास हो गया क्योंकि जैसे ही मैंने मफ़िन को देखा, तो आज मफ़िन का ना वैक्सीनेशन हुआ था और जैसे कि मैं अपने काम से निकली हुई थी और कशिश और प्रशांत गए थे मफ़िन को वैक्सीनेशन कराने के लिए, तो वैक्सीनेशन भी उसका हो गया। लेकिन उस टाइम तो वो बिज़ी था, उसे इतना पता नहीं चला, ये लोग बता रहे हैं। लेकिन घर पर आकर ना उसको थोड़ा सा वो कहते ना उदास सा फील कर रहा है, मुझे कशिश ने ही बताया। कशिश क्या हुआ मफ़िन को? सब हो जाते हैं आजकल, सब हम लोग भी वैक्सीन लगा रहे तो बॉडी एक होता है ना, तो उसे भी बॉडी में थोड़ी वीकनेस। हाँ, और पता है जब मैं उसके पास गई, जैसे कि वो एकदम रैबिट की तरह से हो जाता है ना, उछल उछल के पास में आता है, खेलता है, आज उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। जहाँ पर था बस वहीं बैठा रहा, हिला भी नहीं। थोड़ा सा मैंने उसको ऐसे पुचकारा, प्रशांत तो उसके पास बहुत देर बैठे रहे, अभी 15-20 मिनट बैठे रहे उसके पास, पुचकारते रहे, मैं भी उसके पास बहुत देर बैठी रही। लेकिन तो जैसे ही बेल बजी मैं शॉक्ड रह गई, मैंने कहा पता नहीं कौन है अचानक से। एक्चुअली पिंकी थी, और वैसे तो वो इतना लेट नाइट कभी नहीं आती है, लेकिन वो हमारी सोसाइटी में किसी के घर पर शादी का काम मिला हुआ है उसको, तो वहाँ पर काम कर रही होगी, तो आ गई थी, बेल बजा रही थी दीदी के, पूछ रही थी बस ऐसे ही। तो फिलहाल मैं क्या बात कर रही थी तेरे से कशिश, मफ़िन के बारे में। तो मफ़िन ना अभी थोड़ा उदास है, तो उसे प्यार व्यार हम लोगों ने बहुत देर किया। उदास नहीं, उसको सिर्फ बॉडी एक है। हाँ, वो कल तक ठीक भी हो जाएगा, उसे पता नहीं चलता। बट हमें लग रहा है कि अब जैसे पहले बार उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया ना, तो अब उसे याद आ जाएगा कि एक दो तीन बार कि जब भी मैं यहाँ जाता हूँ 2-3 दिन तक मुझे दर्द रहता है। हाँ, हो सकता है अगली बार जाने में थोड़ा आना चाहिए। याद है दूसरा एक डॉग था जो बिल्कुल चिल्ला रहा था? हाँ, क्या बना रही हो? एग ऑमलेट? हाँ,
अच्छा ये बनाया तुमने? वो अच्छा है। तो मैं और प्रशांत मतलब काफी मन से गए थे आज मॉल, और सोचा भी था कि अपने अपने पसंद की चीजें लेकर आएंगे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मॉल में थोड़ी देर एंटर करने के बाद, थोड़ा बहुत घूमने के बाद, इनफैक्ट मिनीसो पे मैं सबसे पहले गई थी क्योंकि मुझे कॉटन पैड्स लेने थे। तो वो हमेशा मेरा रहता है कि जब भी मुझे मिनीसो कहीं भी दिख जाता है मैं सबसे पहले कॉटन पैड्स उठाती हूँ, मुझे उसके अलावा कहीं और के पसंद भी नहीं आते हैं। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मिनीसो घूमा, एक दो शॉप्स देखी क्योंकि मुझे अपने लिए स्लीपर्स लेनी थी, और जैसा कि प्रशांत को भी अपने कपड़े लेने थे, काफ़ी टाइम से वो कह ही रहे हैं। तो बस आज तो हम लोग थोड़ा सा लेट निकले क्योंकि इन सब चीज़ों में सुबह टाइम लग गया था, तो मॉल के भी टाइमिंग अब बहुत कम हो गए हैं, 8:30 पर पूरा मॉल बंद हो जाता है, इनफैक्ट 8 बजे के बाद ही शटर डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो बस उन 2 घंटे में थोड़ा बहुत घूमे थे और थोड़ी सी थकान ज़्यादा हो गई क्योंकि निकलते नहीं है ना इतना, मार्केट वगैरह कहीं नहीं जाते। तो वैसे तो मॉल खुले हुए भी अब 20-25 दिन हो गए हैं, मैंने वहीं पर पूछा था किसी एम्प्लॉय से तो उन्होंने बोला था, लेकिन हम लोगों का जाना हो ही नहीं पाया। फिलहाल गए लेकिन बहुत ज़्यादा ना इंटरेस्ट नहीं आया शॉपिंग करने में, वो होता है ना, मन तो था खरीदने का। अच्छा तो मेरे को तो होम सेंटर जाना बहुत अच्छा लगता है, फिलहाल आपको कैसा लगा होम सेंटर का टूर बताना, मैंने थोड़े थोड़े से ग्लिम्स डाले हैं इसमें। तो मेरा मन था आज कॉफ़ी मग्स वगैरह देखने का, काफ़ी दिन से मैं सर्च कर भी रही हूँ लेकिन आज शायद वो मूड ही नहीं था, तो बस देखा और समझ में नहीं आया तो आ गए वहाँ से निकल के। फिर मुझे ना जो स्लीपर्स लेने थे उसके लिए मैंने 2-3 शॉप्स वगैरह देखी, फिर शाम को तो फिर से जाना पड़ेगा क्योंकि आज वो पैंटलून में गए वहाँ उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर जो है थोड़ी देर बाद मैंने बताया ना शटर वगैरह गिरने लगे थे, बहुत कम टाइमिंग के लिए मॉल ओपन रहते हैं, तो प्रशांत शायद 1-2 दिन में फिर से जाएंगे वो अपने लिए लेने। मैंने कहा लास्ट मोमेंट पर मैं अपने लिए ले लेती हूँ क्योंकि मैं बार बार मॉल नहीं आऊँगी वरना। तो मैंने काफ़ी सारी शॉप्स सर्च करी, मुझे वाइट में देखना था, बाय द वे मैंने सैनिटाइज कर लिया है, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या है मुझे वाइट में देखने थे अपने स्लीपर्स, मैंने वीनस पे भी देखे थे, मैंने फिलहाल किससे लिए हैं, मैंने लिए हैं वेंसन, मैंने वेंसन से लिए हैं, ये भी DLF मॉल में ही है, आपको मिल जाएगी, शूज़ की ही शॉप है। तो विंसन पे भी देखे थे लेकिन मुझे वाइट कलर में ना कहीं मिल नहीं रहे थे, वाइट कलर इतना कॉमन नहीं है तो हर कोई रखता नहीं है, इसमें वैरायटीज़ बहुत कम थी। तो लास्ट में मुझे ये बहुत अच्छे लगे, पहनने के बाद लुक भी अच्छा आ रहा था, प्रशांत को भी ये बहुत पसंद आए तो मैंने फिर इन्हीं को ले लिया। तो एक मैंने ये वाइट कलर के स्लीपर्स लिए हैं, आपको कैसे लगे बताना, मुझे तो अच्छे लगे, मतलब मैं जीन्स पे भी डालूंगी तो भी चल जाएंगे और आपकी कुर्ती साड़ी सब पे डल कुर्ती साड़ी सब पर चल जाएंगे। तो एक ये लिया है मैंने, कुछ शॉपिंग नहीं करी है, बाय द वे पहले ही बता रही हूँ, एक मैंने ये वाइट जीन्स ली है, तो ये वाइट जीन्स मैंने ली है, इसमें मैंने लिया है साइज़ अपना 28, मुझे 28 जो है बिल्कुल फिट आता है, हाई वेस्ट जीन्स है, ऑलरेडी मैंने ट्रायल रूम में ट्राई कर ली तो मुझे मतलब बहुत अच्छी फिटिंग आई इसकी, नीचे ना आपको इस टाइप का मिल जाएगा डिज़ाइन, और ये ज़्यादा नीचे भी नहीं आ रही है, यहीं तक आ रही है आपके एंकल तक। और मेरे पास वाइट जीन्स एक और है, आपने अक्सर मुझे पहने हुए देखा होगा, लेकिन वो लो वेस्ट है और मुझे एक ऐसी जीन्स चाहिए थी वाइट में जो हाई वेस्ट हो, तो जिससे मैं अपने जो क्रॉप टॉप वगैरह है ना उन्हें आराम से यूज़ कर सकूँ, तो ये ना यहाँ तक आ रही है, तो आप आराम से कोई भी क्रॉप टॉप पहन लोगे तो आपका जो टमी एरिया है या जो भी पेट मतलब वो हिस्सा दिखता नहीं है और नहीं लगता, तो इसी वजह से मैंने ये हाई वेस्ट जीन्स ली है। तो मैं आपको भी कभी दिखाऊंगी इसे पहन के, तो ये लिया है बस मैंने, बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं मिनीसो गई थी तो ये आ गए मेरे पैड जिसमें 180 हैं, मेरे ख्याल से मैं हमेशा जब भी शॉपिंग करती हूँ आपको ये कॉटन पैड्स लाती हूँ, और ये मैं एक और चीज़ लाई हूँ वो है नेल पेंट रिमूवर, इसकी भी मुझे ज़रूरत थी। तो दैट्स इट, यही थी मेरी शॉपिंग, और बहुत दिनों में मॉल जाना हुआ और लेकिन हम पूरी सेफ्टी के साथ गए थे, अच्छा लगा, थोड़ा सा चेंज मिला और आज तो चलिए गाइज यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, और मिलूंगी कल आपसे फिर एक और अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, आपका इंतजार रहता है, आपके एक लाइक मेरे को हैप्पीनेस देता है और एक मोटिवेशन देता है कि मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँ। बाय बाय, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव।